संघन अमरूद की खेती किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं और कैसे लाभ ले सकते हैं? सही ढंग से आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें बागवानी की ओर जाना होगा। बागवानी में उन्हें ऑर्चर्ड लगाना होगा, जैसे बगीचा लगाना है फलों का, उसमें एक जो है अमरूद का सघन खेती हमें करना है। तो अमरूद अभी देख रहे हैं जो किसान भाई जितने भी हैं, जब तक वो बागवानी और ऑर्चर्ड की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक उनका आमदनी कभी बढ़ नहीं सकता है। और अमरूद की सघन खेती के लिए वो जनरली क्या है, टाँड जमीन को यूज़ कर सकते हैं। तो टाँड जमीन है और उसमें क्या है, पानी का लगा जो है ना, लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग जमाव नहीं होना चाहिए। तो उसमें अभी सबसे अच्छा समय है ये जो अप्रैल का महीना है, इसी समय में जो है आप उसका तैयारी कर सकते हैं पूरा। उसके लिए क्या करना है, अभी आपको गड्ढा बना लेना है ना, लगभग एक एकड़ में हमारा 125 पौधा लगता है, यानी 2.5 हेक्टेयर में हमको 325 पौधा हमको लगाना पड़ेगा अमरूद का, जिसके लिए हमको 15 फीट पे गड्ढा करना है। और गड्ढे की साइज जो है एक मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा होना चाहिए। और अप्रैल का महीना जैसा कि हम देख रहे हैं अभी धूप काफ़ी हो रहा है, तो इसमें क्या है, हम गड्ढा यदि जब एक महीना पहले पूर्व खान देंगे तो उसमें जो मिट्टी में जितना भी ये है रोग लगने वाले जीवाणु हैं, हमारे लोग जो रोग लगाते हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीटाणु हैं, सब ये धूप के इससे नष्ट हो जाते हैं। खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दी जाती है। खाद डालने के बाद रोटावेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद खेत की मिट्टी सूख जाने पर फिर से जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। इसके बाद खेत में पौधे रोपाई के लिए 5 से 6 मीटर की दूरी रखते हुए गड्ढों को तैयार कर लिया जाता है। वो जो गड्ढा है उसमें हमको कंपोस्ट फिलिंग करना है। कंपोस्ट फिलिंग करने के लिए उसमें हमको थोड़ा सा जो होता है, जैसे ये तालाब है, तालाब का तलहटी वाला जो मिट्टी होता है उसको लाके, जो कि मतलब उपजाऊ शक्ति उसका ज़्यादा होता है, उस मिट्टी को हम गड्ढे में डाल सकते हैं। उसके साथ गोबर कंपोस्ट बना के, गोबर मतलब सड़ा हुआ गोबर, और सड़े हुए गोबर में हम थोड़ा करंज की खल्ली, नीम की खल्ली, जो कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे पौधे में बाद में दीमक भी लगता है, इससे दीमक का प्रकोप नहीं हो पाएगा। और इस तरह से जब वो लगाएंगे तो उसके बाद उनको तैयार करना है, और जून में या जून के लास्ट में या जब भी जो है पहली बारिश आती है, सीजन मानसून जब आता है, उसका पहला बारिश जब आता है, तो उस समय हमको पौधे का रोपण करना चाहिए।